राजौरी में हुए मुठभेड़ में हमारे जवान जो कि किश्तवाड़ के रहने वाले थे उन्होंने अपनी जान की बलिदान दिया है अपना। और आपको बता दें कि एक बड़ा ऑपरेशन हुआ था जो लगभग 20 से 22 घंटे चला था और इस ऑपरेशन में दो आतंकियों को तो मार गिराया था, लेकिन शहादत को जो है वो भुलाया नहीं जाएगा। इस वक्त हम किश्तवाड़ में हैं और किश्तवाड़ में रवि के घर में पहुंचे हुए हैं। आपने देखा कि कैमरे की तस्वीरों में रवि का शव बिल्कुल हमारे नजदीक यहाँ पर पहुंचा हुआ है। भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर सेना के अधिकारी, भारतीय सेना के अधिकारी और जो पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कुछ ही देर के बाद यहाँ पर उसको अंतिम विदाई दी जाएगी। लेकिन बेहद ही एक यहाँ पर दुख की खबर यहाँ पर हमें यहाँ पर इस घर में आते ही और मिली कि बहुत खुश था रवि, बहुत अच्छी नेचर थी रवि की, वो अपने गांव में सबसे बहुत प्यार करता था और रवि की 2 दिसंबर को शादी होने वाली थी। और उससे भी बड़ी बात कि रवि की जिस लड़की से शादी होने वाली थी वो लड़की इस समय हमारे साथ मौजूद है, उसने 2 ही बातें ऐसी कही कि हम अपने आंसू रोक नहीं पाए। उसने कहा कि मैं रवि का इंतजार करूंगी क्योंकि रवि मेरे से बहुत प्यार करता था और रवि के इस बलिदान पर मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ। वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। इस वक्त हालत तो बहुत नाजुक है पूरे परिवार की। परिवार में उनकी माता जी हैं, उनके 3 भाई हैं, उनके पिताजी हैं, हर एक का रो रो के बुरा हाल हो रहा है। हालांकि इस गाँव में जितने भी घर हैं आज हर एक के घर में मातम छाया हुआ है। मैं सविता से बात करने की कोशिश करूंगी कि सविता कैसी थी नेचर रवि की, क्योंकि हमने सुना है कि रवि अपने देश के लिए लड़ने को हमेशा तैयार रहता था, हमेशा उसे होता था कि कभी शहादत भी मिले तो मैं हंस के ले लूंगा। आज शहीद हो गए हैं आपके, होना था उन्होंने आपका, हो नहीं पाए लेकिन पहले इस दुनिया से चले गए। कि क्या कहेंगी शब्द आप चारों के लिए? क्या बोलूं मैं, उनके लिए वर्ड्स ही नहीं निकलते हैं। वो इतने अच्छे थे ना कि उनके लिए वर्ड्स मेरे पास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को बहुत प्राउड है, पर जाते जाते वो सब कुछ ले गए हैं जो मैं कभी शायद भूल भी नहीं सकती हूँ लाइफ में, कभी भी नहीं। हाँ इतना है कि वो सबसे ज़्यादा प्यार अपनी मम्मी से करते थे, उनकी कितनी परवाह करते थे। जब भी उन्हें कॉल करते थे तो उनसे हंसी मजाक, पापा से भी बहुत करते थे, गुस्सा करते थे फिर भी उनसे बहुत प्यार करते थे। उनके लिए सबसे ऊपर उनके पेरेंट्स हमेशा रहे, मेरे से भी ऊपर उनके लिए हमेशा उनके पेरेंट्स रहेंगे, हमेशा रहेंगे और मैं यहीं रहूँगी हमेशा। मैं उनका वेट करूँगी, तो जब मुझे बुलाएंगे तो मैं चली जाऊंगी। इससे ज्यादा मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, ना खुशियाँ ना जिंदगी, कुछ भी नहीं। जो उन्होंने दिया मेरे लिए वो बहुत है, बस यही जिंदगी खत्म होती है, यहाँ से आगे कुछ भी नहीं है लाइफ में जीने के लिए। कहते हैं लोग कि बस कहना लोगों के लिए बहुत आसान है कि तुम अपने फैमिली को देखो, फैमिली को तो हर कोई देखता है, लेकिन मैं वो सब चीजें कभी नहीं भूल सकती हूँ। उनके सपने मैंने हमेशा अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट के लिए मैं कभी उनसे मिली नहीं, कभी कभी भी नहीं। काश मुझे पता होता ऐसा हो, ऐसा आगे हो जाएगा, मैं उनसे मिलती, मैं उनसे बात करती, दिल खोल के बात करती, उन्हें खुशियां देती। अफसोस है मुझे इस बात का कि मैं उन्हें कभी खुशी नहीं दे पाई, उसके लिए मैंने सॉरी भी बहुत कम पड़ जाएगा। मैं उनको वेट करूंगी, जितना मुझसे हो पाएगा उतना करूंगी, उसके बाद मुझे पता नहीं। एक बहुत बड़ा निर्णय, रवि बलिदान दे के दुनिया से चला गया, लेकिन उसके होने वाली पत्नी जो 2 दिसंबर को जिसकी शादी हो रही थी रविता के साथ, उसने एक निर्णय लिया है कि मैं इस घर से नहीं जाऊंगी और रवि का इंतजार करूंगी। बहुत बड़ी बात है कि उसने कहा है कि शायद वो शादी नहीं करेगी और इसी घर में रवि की जगह लेकर उनका बेटा बनकर इसी घर में रहेगी। रवि के शव के साथ अपनी जो होने वाली सास थी उसके साथ है।